हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा GST का इनडायरेक्ट टैक्स में GST का हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का समरी लेक्चर है। ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और वो रिवाइज करना चाहते हैं या फिर सेकेंड टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए GST इंट्रोडक्शन। GST होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? टैक्स हमसे गवर्नमेंट लेती है, किनसे लेती है? पब्लिक से लेती है, ताकि वो फंड रेस कर सके और पब्लिक वेलफेयर कर सके, जैसे कि रोड्स, हाईवेज, डैम बना सके। ठीक है, टैक्स एक क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, जो कि इनकम टैक्स के अंदर आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो पहले क्या हुआ करता था? पहले सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। ठीक है, लेकिन GST आने से ये सारे हट गए और उनकी जगह GST लगता है, उसके साथ कस्टम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए GST चार्ज कैसे किया जाता है, मीन्स टैक्स चार्ज किया कैसे जाता है। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, तो वो उससे क्या चार्ज करता है? प्राइस चार्ज करता है। उस प्रोडक्ट के जितना प्राइस है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, प्लस टैक्स चार्ज करता है। ठीक है, और ये टैक्स वो ले जाके गवर्नमेंट को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी वो टैक्स खुद से पे नहीं करता है, वो जब होलसेलर को बेचता है तो वो टैक्स वो वापस कलेक्ट कर लेता है अपने पास। होलसेलर भी खुद से पे नहीं करता है, वो रिटेलर से वापस ले लेता है। कस्टमर भी जो रिटेलर है वो कस्टमर से ले लेता है। मतलब जो एट लास्ट है टैक्स, वो कौन पे कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट को कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर पे करता है। नेक्स्ट हमने देखा था इंट्रा स्टेट ट्रेड वर्सेज इंटर स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड क्या होता है? जो इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही जो ट्रेड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब बिटवीन द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड्स। GST के अंदर कौन कौन से एक्ट्स इंक्लूडेड हैं? CGST एक्ट, SGST एक्ट, IGST एक्ट एंड UTGST एक्ट। CGST एक्ट क्या है? सेंट्रल GST एक्ट, जो कि जिसमें सेंट्रल आपसे टैक्स चार्ज करती है। SGST एक्ट स्टेट GST एक्ट है, जिसमें स्टेट आपसे टैक्स चार्ज करती है। IGST एक्ट क्या है? इंटीग्रेटेड GST एक्ट, जिसमें सेंट्रल आपसे टैक्स चार्ज करती है, पर वो बाद में जाके डिवाइड हो जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एज द पार्लियामेंट डिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है UTGST। UTGST इज यूनियन टेरिटरी GST एक्ट, जो कि टैक्स चार्ज बाय यूनियन टेरिटरी चार्ज करती है। ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं होता, वो GST के अंदर नहीं आते। ठीक है, ये जो 20 लाख की लिमिट है वो सारे स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख लिमिट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हमने देखा था, अगर इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, JAAMMUNSST। जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, AAA दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश, सॉरी AA दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश, MMM दैट इज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, U फॉर उत्तराखंड एंड N फॉर नागालैंड, S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, T फॉर त्रिपुरा। ठीक है, हमने क्या देखा? स्मॉल बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर नॉट मोर देन 20 लाख है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको GST के अंदर चार्ज नहीं लगता। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा हैं तो आप GST के अंदर आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट कितनी है? 10 लाख। नेक्स्ट हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? पेयर और सफरर एक ही पर्सन होता है, इसी को टैक्स जाके गवर्नमेंट को पे करना है। इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स तो आप ही को खुद जाके अपना पे करना पड़ेगा, और उसके पैसे भी आप ही के जेब से आने वाले हैं, इसलिए पेयर भी आप होने वाले हैं, सफरर भी आप होने वाले हैं, मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन के ऊपर पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें पेयर अलग होता है, सफरर अलग होता है। हमने देखा मैन्युफैक्चरर हमारा पेयर था, जो जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा था, सफरर कौन था? कस्टमर था। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिफरेंट पर्सन्स हो रहते हैं, इसलिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग पर्सन्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस्ड टैक्स होता है, इनकम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स चार्ज किया जाता है।
इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है, जितना सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स में रेट ऑफ टैक्स हर पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। मेरी इनकम अलग होगी तो मेरा टैक्स अलग होगा, मैंने अलग अलग सोर्सेज से इनकम कमाई होगी, भले इसकी और इसकी इनकम दोनों की 15,000 है, लेकिन दोनों ने अलग अलग सोर्सेज से कमाया है तो इनके ऊपर टैक्स रेट अलग लगेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक सामान खरीद रहे, तीनों एक ही सामान खरीद रहे, एक ही प्राइस चार्ज हो रहा है, तो एक ही जीएसटी भी लगेगा उनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा था। डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता है, जो आपने 2018 में इनकम कमाई उसका टैक्स आपको 2019 में पे करना है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का इसमें केस रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई प्रीवियस ईयर नहीं होता, कोई असेसमेंट ईयर नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मेन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, इनकम कम होगी तो टैक्स कम चार्ज किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब आपकी इनकम चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर इक्वल टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016। ये क्या बोल रहा था, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd Amendment Bill आया था 2014 में, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, 8th September 2016 को, और वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016, जिससे हमारा जीएसटी इंडिया के अंदर आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016 में ये सारे अमेंडमेंट्स करके इसको अप्लाई किया गया इंडिया में। क्या क्या अमेंडमेंट्स थे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर रहेंगे, कॉन्करेंट पावर, क्या चीज़ की, कि वो लॉज बना सके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और उसको इम्पोज कर सके, जीएसटी को इम्पोज कर सके, ठीक है। आईजीएसटी जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा वो डिसाइड कौन कर लेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ, लॉ बना के पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि आईजीएसटी सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड होगा। थर्ड हमने पॉइंट देखा था, जीएसटी जो है वो किसके ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट मतलब किसके ऊपर नहीं लगेगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर आप इम्पोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो सिर्फ आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वेन अ सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, कौन सा प्लेस को हम सप्लाई का प्लेस मानेंगे और कब सप्लाई हुआ ये कैसे मानेंगे वो हमको कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। देखिए ये जो सिक्स्थ पॉइंट है इसमें क्या क्या लिखा है, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल नेचुरल गैस मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि अब जीएसटी इसके ऊपर लगना चाहिए तब इसके ऊपर जीएसटी लगना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी इनके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हाई स्पीड डीजल नेचुरल गैस मोटर स्पिरिट एविएशन टर्बाइन फ्यूल एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है और कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स ही लगता रहेगा, इसके ऊपर जीएसटी आने के कोई चांसेस नहीं है, बाकी जो ऊपर के 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो जीएसटी लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में, 1st July 2017 में। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि किसके ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगता है लेकिन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगता है, ठीक है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जितनी आप गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे, उसके ऊपर आपका उतना उतना टैक्स लगते जाएगा, ठीक है। जैसे 10 रुपये का गुड था जिसके ऊपर
मैंने ये किसके पास था, मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए का बनाया था, ठीक है, ये जब रिटेलर के पास पहुंचा तो रिटेलर ने इसको 15 में बेचना चालू कर दिया, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा है ना, तो ये 5 रुपए का जीएसटी इसको पे करना पड़ेगा, 10 रुपए का तो मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया होगा, ये 5 का एक्स्ट्रा इसको पे करना पड़ेगा। तो क्या है, वैल्यू जितना ऐड करते जाओगे उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। तो जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि आपकी सेल पे लगता है या फिर सर्विस पे लगता है। जब आप सर्विसेज बेचते हैं या फिर सेल करते हैं गुड्स का, तब आपको क्या लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरर पे कर रहा था भले गवर्नमेंट को, लेकिन एट लास्ट वो टैक्स किसके ऊपर चला गया था, कस्टमर के ऊपर। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। आपको टैक्स क्रेडिट का जीएसटी में कंटिन्यूअस चेन मिलेगा, मतलब आईजीएसटी पे कर रहे हो चाहे सीजीएसटी चाहे एसजीएसटी, आपको टैक्स क्रेडिट हमेशा मिलता रहेगा। जीएसटी एलिमिनेट करता है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगने देता जीएसटी। देखिए, हमने एक एग्जांपल देखा था, ए और बी दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दोनों बिजनेसमैन है। सी जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है वो छत्तीसगढ़ का बिजनेसमैन है, ठीक है। ए के पास एक प्रोडक्ट था जो कि 100 का था, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ा 10 रुपीज़, दैट इज 110 हो गया। बी अब इसको प्रॉफिट में बेचता है 20 प्रॉफिट इसके ऊपर चार्ज करके, तो 120 का प्रोडक्ट वो उसके ऊपर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, 12, और 132 उसके प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है। लेकिन जब बी ने ए से ये प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसने पहले ये 10 रुपीज़ का टैक्स पे करके रखा होगा, तो ये 10 रुपीज़ का टैक्स को क्या बोला जाता है, हम टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये दूसरे स्टेट में चला गया तो अब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। दूसरे स्टेट में हमको क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। जो जब ये दूसरे स्टेट में चला गया तो ये 140 का हो गया, इसने 20 प्रॉफिट ऐड कर दिया अपना, 14 रुपीज़ आई टैक्स पे करना पड़ा, 154 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको टैक्स क्रेडिट कितना मिला होगा, 12 रुपीज़। नेक्स्ट, अब टैक्स ऑन टैक्स, ये हो गया हमारा टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है। जब आप पहले टैक्स पे कर देते हैं तो उसका हम डिडक्ट कर देते हैं उतना प्राइस, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे 2 रुपये टैक्स पे करना है क्योंकि आपने 10 पहले से पे करके रखा है। नेक्स्ट, टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट की प्राइस 100 थी जिसमें 10 हमने यहाँ देखा 10 टैक्स लगा, 110 हो गया। जब इसी के ऊपर वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है तो ये 130 हो जाता है और ये 13 हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लग जाता है। मतलब पहले का टैक्स तो इंक्लूडेड ही है और साथ में और टैक्स भी ऐड अप कर दिया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है, वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो इससे ये इसको क्या बनाता है, वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में एक टैक्स चलता है इनडायरेक्ट टैक्स का, दैट इज जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या क्या हुआ करते थे, सीएसटी, वैट, एक्साइज, ये सब को हटा दिया गया, बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया गया और एक सिंपल जीएसटी लेके आया गया। नेक्स्ट है इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपको ज़्यादा झंझट नहीं पालना पड़ता है कि अलग अलग साइट्स में जाओ, अलग अलग लोगों को पूछो कि कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेमेंट करना है, क्योंकि हर जगह के लिए आपको अलग सिस्टम फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी आने से ये स्मूथ हो गया है फंक्शन, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले क्या हुआ करता था, टैक्स ऑन टैक्स चार्ज किया जाता था। टैक्स ऑन टैक्स चार्ज करने से आपका प्रोडक्शन का जो वैल्यू था, कॉस्ट जो हुआ करती थी प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। लेकिन उसके जो जीएसटी आया तो उससे क्या हुआ, आपको जो आप खरीद रहे थे सामान उसमें भी आपको टैक्स कम देना पड़ रहा था, ठीक है, और जब आप बेच रहे थे उसके भी प्राइस कम आ रही थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था। इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जैसे कि अगर आपका कॉस्ट कम हुआ है तो जब कॉस्ट कम होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट और जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पर कम हो गई है, कम रेट में मिल रही है, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी की ज़रूरत पड़ी क्यों। जीएसटी इज़ अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी बीमारियां थी उनको हटाने के लिए हम क्या लेके आए, जीएसटी लेके आए। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, जब रेस्टोरेंट्स के केस में जो फूड था उसको माना जाता था कि वो सर्विसेज भी है और गुड्स भी है। सर्विस कैसे, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स प्रोवाइड करके, वो सर्विस है। गुड्स क्या है, गुड को हमने खरीदा, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदे होंगे,
कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा होगा गुड्स बनाने के लिए, तो उसको हम गुड माना करते थे। लेकिन ये कब हुआ करता था, जब आपका पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलता था, तो इसके ऊपर आपको वैट पे करना पड़ता था, सर्विसेज के ऊपर आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन जब जीएसटी आया, तो जीएसटी से रेस्टोरेंट की सर्विसेज को, फूड जो प्रोवाइड करता है उसको सर्विस और गुड अलग अलग ना मान के गुड्स को पूरा हटा दिया गया, इसको सिर्फ सर्विस ट्रीट किया गया और नॉर्मल इसको जीएसटी के अंदर एज अ सर्विस ट्रीट किया जाता था। तो इससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा वैट अलग से, फिर सर्विस टैक्स अलग से, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ सर्विस टैक्स आपको पे करना है, वो भी जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, उसको नॉर्मल सर्विस मान लिया गया। ठीक है, आपको अलग अलग चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट है, नो सेनवेट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू अ डीलर। जो हमको क्रेडिट मिलता है, सेनवेट क्रेडिट क्या है, जो आपको क्रेडिट मिलता है टैक्स क्रेडिट, वो टैक्स क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद डीलर को नहीं दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चर किया उसने प्रोडक्ट, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैट भी चार्ज किया जाता था, एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज किया गया जाता था। एक्साइज ड्यूटी पहले चार्ज करते थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैट आपने वैल्यू ऐड की उसके लिए चार्ज करते थे। तो इन दोनों के ऊपर आपको कोई कंसेशन, मतलब टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ सीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड। देखिए, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मतलब जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं, ये कब हुआ करता था, जब आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं ना, तो दूसरे स्टेट वाला क्या बोलता था कि आपने तो वहाँ टैक्स पे किया है, मेरे यहाँ तो टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए मैं आपको टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकता था करके। इसके कारण क्या होता था, आपको कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स का चार्ज करना पड़ता था, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कि टैक्स ऑन टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। ये कब होता था, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते थे, तो ये वाली प्रॉब्लम आती थी कि आपको टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जब आप इंटर स्टेट ट्रेड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल जीएसटी मॉडल। हमारा जो इंडिया में जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है वो डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो जीएसटी को इम्पोज करें और लॉज बनाएं। ठीक है, देखिए SGST, CGST, IGST, UTGST, हमको पता है ये चारों हमारे स्टेट्स में, इंडिया में लगते हैं। SGST, CGST कब लगता है, जब आप इंट्रा स्टेट ट्रेड करते हैं, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ये दोनों SGST और CGST दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माने जाते हैं, मतलब जैसे कि 18% चार्ज किया जा रहा है, तो 9% ये होगा, 9% ये होगा। IGST होता है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो IGST लगता है। और ये कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली CGST प्लस SGST, जैसे कि हमने बोला कि 18% है, तो ये 18% होगा, अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट होता है UTGST। UTGST किसके ऊपर लगता है, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वो UTGST के अंदर टैक्स चार्ज करते हैं। कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली। फिर हमारे पास दो और यूनियन टेरिटरीज बसती हैं, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। वो कहाँ जाते हैं फिर, ये तो यूनियन टेरिटरीज में भी नहीं आते। तो जो जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी, वो आते हैं आपके SGST और CGST, मीन्स SGST के अंदर। यूनियन टेरिटरी जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है वो SGST के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं वो यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट वर्सेज इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। देखिए, स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को या ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ स्टॉक्स भेज रही है। ठीक है, इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर इज टैक्सेबल ओनली व्हेन एंटिटी हैज मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब आप एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक ही स्टेट के अंदर आप हेड ऑफिस और ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर करती है अगर, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग, इसका रजिस्ट्रेशन अलग, तभी टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर सेम रजिस्ट्रेशन है तो टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर इज ऑलवेज टैक्सेबल। आपका इंटर स्टेट में, चाहे आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो चाहे एक ही रजिस्ट्रेशन हो, इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन हो चाहे अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो, आपको टैक्सेबल होगा वो हमेशा, जब आप इंटर स्टेट कर रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। देखिए, एग्जाम्पल में देखा था मिस्टर सी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज फॉर 20,000 टू मिस्टर एम ऑफ मदुरई तमिलनाडु। SGST CGST रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज 9%, ईच IGST रेट इज 18%। फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी हु इज लायबल टू पे टैक्स। आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की कितने की, 20,000 की।
सीजीएसटी देखिए क्या बोल रहा है, तमिलनाडु और दोनों तमिलनाडु में ही है, मदुरई और चेन्नई इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है और दोनों कहाँ स्टेट सेम है, तमिलनाडु। आपको ये चेक नहीं करना है, सिटी नहीं देखना है आपको, ठीक है। सिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्टेट सेम होना चाहिए, तब आपको क्या लगता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका तो हमको कोई काम ही नहीं है आईजीएसटी का, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी का काम है जो कि 9% ईच है। 9% आपको किसके ऊपर चार्ज करना है, ये 20,000 के ऊपर, ठीक है। और हमने इसके बाद दो और एग्जाम्पल देखे थे, एक ये देखा था हमने मिस्टर एम ऑफ मदुरई का, नेक्स्ट इसके आगे का कंटिन्यूअस क्वेश्चन था। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप मेरी जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसके ऊपर उसको पूरा देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम सिर्फ समरी लेक्चर कर रहे हैं इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है मिस्टर सी ऑफ चेन्नई परचेज गुड्स एट इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट लेवल बाय पेइंग एसजीएसटी, पे किया उन्होंने 6,000, सीजीएसटी 6,000 पे किया, आईजीएसटी 12,000 पे किया। मिस्टर सी ने ये गुड्स मिस्टर एच को भेज दिए हैदराबाद के फॉर 22 लाख, आईजीएसटी 18% लगेगा जिसके ऊपर। मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद ने इस गुड्स को सोल्ड कर दिया सिकंदराबाद के एस को फॉर 3 लाख, जिसके ऊपर सी जी एस टी एंड एस जी एस टी लगेगा 18%। आपको नेट जी एस टी लाइबिलिटी निकालनी है मिस्टर एच और मिस्टर सी की। देखिए आपको नेट जी एस टी लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, आउटपुट टैक्स लिख लीजिए जो उसको पे करना है, दैट इज उसने कितने में बेचा, 2 लाख में बेचा मिस्टर सी ने मिस्टर एच को, तो उसको आउटपुट टैक्स कितना पे करना है, 2 लाख का 18%। उसने पहले से कितना पे करके रखा है, एस जी एस टी 6,000 पे करके रखा है, सी जी एस टी 6,000 और आई जी एस टी 12,000, सबको डिडक्ट करते हैं, जो लाइबिलिटी आएगी वो 12,000 किसको पे करना है, आईजीएसटी को, ठीक है, आईजीएसटी पे करना है उसको। नेक्स्ट नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एच निकाल लीजिए, आउटपुट टैक्स उसको कितना पे करना है, 27,000 ये 27,000, ये कैसे निकला, 3 लाख का सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, दैट इज 27,000, 27,000। आईजीएसटी उसने पहले से पे करके रखा है 27,000 और 9,000, ठीक है। आईजीएसटी ये वाला कहाँ से आया, आपके पास आईजीएसटी में ये आपको यहाँ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, ये 36,000 जो था उसका 27,000 का यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी आप आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो पहले सीजीएसटी में लेंगे फिर एसजीएसटी में लेंगे, तो सीजीएसटी में हमने 27,000 पूरा ले लिया, बचा कुछ 36 में से 27 माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा, उसका हमने टैक्स क्रेडिट यहाँ ले लिया, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, 18,000 लाइबिलिटी बची फॉर एसजीएसटी, ठीक है। अब आपको निकालना है रेवेन्यू कितना सेंटर का होगा, रेवेन्यू टू द स्टेट कितना होगा। सेंटर को कितना रेवेन्यू हुआ, सेंटर को सबसे पहले हुआ ये 6,000, फिर ये 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर को क्या रेवेन्यू हुआ, देखिए यहाँ पे हमने देखा था सेंटर को सीजीएसटी इतना मिला, आईजीएसटी इतना मिला, फिर उसके बाद 6,000 उसको और रेवेन्यू हुआ, कहाँ से हुआ उसको 6,000 रेवेन्यू, उसको स्टेट के पास से 6,000 रेवेन्यू हुआ, ठीक है। स्टेट का क्या हुआ, 6,000 ये कहाँ से आया, ये 6,000 जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में ले लिया जो आईजीएसटी के पास चला गया, तो ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, यही 6,000 हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एसजीएसटी हमको मिला था 6,000, तो वाला हमने यहाँ ऐड किया, फिर 18,000 ये जो आपकी लाइबिलिटी बन रही थी वो हमने यहाँ ऐड किया, फिर ये 9,000 हमने यहाँ ऐड किया जो कि आपने आईजीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 12,000 ऐड किया और यहाँ से 9,000 डिडक्ट किया क्योंकि आईजीएसटी का हमने एसजीएसटी में दे दिया था, ठीक है। तो 6,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 ये कितना हो गया आपका, 36,000 माइनस 9,000 दैट इज 27,000, 6,000 माइनस 6,000 जीरो, 18,000 प्लस 9,000 दैट इज 27,000। ऐसे के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा टफ भी है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या है, जब ओल्ड टैक्स रिगम हुआ करता था तो टैक्सेबल पर्सन को अलग अलग साइट्स में जाके टैक्स पे करना पड़ता था, एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अलग जाना पड़ता था, राजस्थान वाले के साइट में अलग जाना पड़ता था वैट पे कर रहे हो तो, छत्तीसगढ़ के में अलग, एमपी के में अलग, सेंट्रल एक्साइज एंड डिपार्टमेंट के पास अगर आप एक्साइज और सर्विस टैक्स पे कर रहे हो तो इसमें जाना पड़ता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद आपको सिर्फ एक जीएसटी एंड नेटवर्क गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क में जाना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या है, नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म हुई, ऑथराइज कैपिटल उसका 10 करोड़ है। इसने कॉमन पोर्टल दिया www.gst.gov.in, ये कॉमन पोर्टल में टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी दोनों जा सकते हैं और अपना टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट जीएसटी की जीएसटी एन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टैक्सेबल पर्सन के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना उसको फॉर रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट और क्रेडिट सेटलमेंट, वो रजिस्ट्रेशन कर सके अपना, रिटर्न फिल कर सके, पेमेंट कर सके और क्रेडिट सेटलमेंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है उसका सेटलमेंट कर सके। फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो भी है जीएसटी के वो फुलफिल होने चाहिए, जीएसटी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फुलफिल करना, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सके अथॉरिटीज वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिफंड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसके लिए उसने क्या प्रोवाइड किया, www.gst.gov.in वहाँ जाके आप ये सारी फैसिलिटीज फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जीएसटी काउंसिल क्या होता है, एज पर आर्टिकल 279 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर कब लिया अपना फुलफिल यूज़ किया, 15 सितंबर 2016 में, और जीएसटी काउंसिल फॉर्म की। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमारे इंडिया का जो कि चेयरमैन बनता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो कि इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस बनता है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्स जो कि नॉमिनेट करती है स्टेट्स, ऑल डिसीजन जो भी डिसीजन लेना रहता है वो 3/4 मेजॉरिटी में लिया जाता है, 2/3 पावर स्टेट्स को दी जाती है, 1/3 पावर सेंटर को दी जाती है, हर स्टेट के पास एक वोट का पावर होता है, ठीक है, हर स्टेट एक वोट दे सकती है। नेक्स्ट हमने देखा था फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो कि हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है, काउंसिल रिकमेंडेशन देगी यूनियन को, स्टेट को, यूनियन मींस सेंटर को और स्टेट को, क्या देगी, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे रिकमेंडेशन देगी जो कि रिलेटेड टू जीएसटी होंगे, जीएसटी के टैक्सेस कितने रहेंगे, टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा, टैक्स का अमाउंट रेट कितना रहेगा, सेस कितना रहेगा, सरचार्ज कितना रहेगा, सब्स्यूम विच गुड्स और सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन से गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगे, जीएसटी के रेट्स क्या रहेंगे, कैसा जीएसटी लॉ कैसा इम्पोज करना है, कैसा आईजीएसटी लगेगा, ये सब कौन बताएगा हमको, जीएसटी काउंसिल बताएगी, क्या लिमिट्स रहेंगी और कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, ये सब कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा, नॉर्मल है टैक्स कितना चार्ज करना है वो बताएगा, मीन्स जो भी रिलेटेड टू जीएसटी है जीएसटी काउंसिल उसके ऊपर रिकमेंडेशन लिख सकती है, ठीक है, रिलेटेड टू जीएसटी हर हर एक ट्रांजेक्शन हर एक चीज़ के ऊपर कौन रिकमेंडेशन दे सकता है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल मेनली फॉर्म ही इसलिए की गई कि ताकि किसी और का, गवर्नमेंट के अलावा किसी और का रिकमेंडेशन लिया जा सके ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। आई होप आपको ये समरी लेक्चर हेल्पफुल हो, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। आप चाहें तो इस लेक्चर को, ये फास्ट था, आप चाहें तो लेक्चर को पूरा डिटेल में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहुँचा दे दूँगी ताकि आप फर्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।